तो स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। काफ़ी टाइम बाद वीडियोस आ रही हैं क्योंकि गर्मी दिनों बहुत बढ़ गई है। कल बारिश हुई या थोड़ा मौसम ठीक है तो हम सोचे निकला जाए। पीछे देख सकते हो गेटवे ऑफ इंडिया। तो हम बता दें आपको कि हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे भारत के सभी मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो गेटवे ऑफ इंडिया हो या तमिलनाडु का मंदिर हो। ठीक है, तो यानी आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक की सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में देख सकते हैं। तो बने रहिए इसी वीडियो में और बताते हैं हम आपको सारी जानकारी वीडियो के अंदर। तो स्टार्टिंग होती है गेटवे ऑफ इंडिया से। इंडिया के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं स्पेशल 20+ वो सभी इसमें बना रखे हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया से एंट्री करते हुए अंदर चलते हैं और आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं। ये देख सकते हो वट वृक्ष जो है यहाँ पे दिखा रखा है ग्रीन में, और एक ही दिखा रखा है जो वेस्ट से बनाया गया है। सेम वैसा ही है जैसे हमने उसमें देखा था वेस्ट ऑफ वंडर में, कि जो गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं उन पार्ट्स से बना रखा है। तो ये जो नीचे बना रखा है ये थोड़ा हरा कर देता तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो पुराना जंग है वो लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर सिलेंडर यूज किए, सिलेंडर जो छोटे वाले हैं ना, है कि नहीं। जो हम पहले गए थे वो सस्ता वेस्ट ऑफ वंडर था, ये थोड़ा महंगा वेस्ट ऑफ वंडर है। वहाँ पे 7 बजे हुए थे, यहाँ पे 20 से ऊपर हो गए। तो चलिए ऐसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं। तो चलते चलते हम आ चुके हैं जयपुर। जयपुर ये रहा हवा महल। हवा महल वैसे मैं गया हूँ पहले, तो मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया था। अब मुझे ये देख के याद आ रहा है कि इसकी वीडियो बना देनी चाहिए थी। तो ये हवा महल है। इसकी खासियत ये थी कि आप इसके किसी भी कोने में जाओ वहाँ पे आपको हवा जरूर मिलेगी, मतलब हवा चलती रहती थी। बाहर मौसम कैसा भी हो अंदर का टेम्परेचर काफी ठंडा रहता था, हवा लगती रहती है, तो इसलिए उसको हवा महल बोलते हैं। ये तो लोहे का है, अंदर तो भुंज जाओगे इसके अंदर। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीजें हैं, सीख जाओगे। तो अब आ चुके हैं देश के सबसे बड़े गुंबद पे। ये रहा, अभी तक हम यहाँ पे घूमे हैं नहीं, तो यहाँ के जरिए हम घूम सकते हैं। जो जो नहीं घूमा है भारत में वो वहाँ पे आ सकता है। बाकी देख सकते हो, सुमिरन बताओ कहाँ पर है ये। लगभग बना है आपको बिजली के पोलर इंजन सबसे बना हुआ है, ठीक है ना। ये जो गोल गुंबद है कहाँ पे, ये पूछ रहे हैं। ये गोल गुंबद है, एक सेकंड भाई साहब सुनने दो भाई, पता नहीं कहाँ। वैसे मुझे खुद नहीं पता गोल गुंबद का, जिसको पता हो वो कमेंट करके बताए। पूरा कर्नाटक गोल गुंबद तो मिल गया, कर्नाटका में, कर्नाटका में है गोल गुंबद। कर्नाटका तो अब कर्नाटक में आ चुके हैं। अब आगे देखते हैं अब किस सिटी में जा रहे हैं। वी आर गाइड। इसको तो किसी पहचान की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने वैसे ब्लॉग शूट भी कर रखा है पहले। तो ये हमारा दिल्ली का कुतुब मीनार, कुतुब बिन ऐबक के द्वारा बनाया गया। जो ब्लॉग है वो भी देखें प्लीज। हम आपको वीडियो प्रोफाइल में जाके आप सारी प्रोफाइल्स को देख सकते हैं, सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो और तो बढ़ चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ। ये रहा नालंदा विश्वविद्यालय, ये रहा स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है हमारे से काफी नजदीक ही है। उसको बताना चाहूंगा इसके बारे में फैक्ट, बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी है जो की काफी विख्यात है। बट इसका एक फैक्ट ये था कि जब माना जाता है कि जब इसमें आग लगी थी तो उसमें जो इनकी लाइब्रेरी जब जलनी शुरू हुई थी तो लगभग 6 महीने तक लगातार जलती ही रही थी, इतनी किताबें। क्योंकि इसके अंदर इतनी बुक्स वगैरह थी जिनको चलने में कम से कम 6 से 7 महीने का टाइम लगा था। तो नालंदा विश्वविद्यालय देख सकते हो, भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। तो बढ़ते हैं आज से ही आगे अगले राज्य की तरफ। तो अब आ चुके हैं तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर। ये देख सकते हो मंदिर ऐसे में छोटा लग रहा है, लेकिन सबसे जो ऊँचा मंदिर माना जाता है वो यही है मीनाक्षी मंदिर। क्या कहना चाहोगे। तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, ठीक है ना। और ये और वैसे मीनाक्षी मंदिर का नाम इसलिए भी है, एक जहाँ तक मुझे नॉर्मल ध्यान है कि किसी मीनाक्षी नाम की वधु का शादी हुआ था तो वहीं पे मंदिर बना था, तो मीनाक्षी मंदिर नाम से जाना जाता है तमिलनाडु का मदुरई में। तो अभी तमिलनाडु में होंगे, अभी साउथ में है तो साउथ की एक दो जगह और देखते हैं। चले 4-5 राज्य घूमने के बाद चाबी कहाँ है। चाबी बैग में डाल लियो क्या चाबी साला सब। तो इन भाई साहब ने इतने पाप कर लिए कि हमें बद्रीनाथ आना पड़ा। और ये रहे बद्रीनाथ के चारों धाम, 1, 2, 3 और पीछे 4। सीधे चलते इनके पाप धोने के लिए, चारों यात्रा, चार धाम की यात्रा करने के लिए। बद्रीनाथ टेंपल, अभी साउथ का पोर्शन पूरा कवर होगा भाई। इसमें इसमें गैस का वो लगा हुआ है, गैस का जो बर्नर होता है ना उससे चक्र बनाया हुआ है। चलो जी हम आगे दोबारा से द्वारकाधीश मंदिर आ गए हैं। ये जो है द्वारकाधीश मंदिर, दूसरा धाम गुजरात में है। इसके अंदर पेड़ पौधा नहीं आया है, कहाँ गया पेड़ पौधा सब। और कितनी मस्त चीज है, ये रामेश्वरम मंदिर हम लोग आ गए हैं।
अब आ गए हैं, ये है रामेश्वरम मंदिर, ये देख सकते हो, और ये देख सकते हो यहाँ पे, ये भी जो वेस्ट से बनाया हुआ है और काफी अच्छा है, क्योंकि कोई चीज हो नहीं सकता कि वेस्ट से भी अच्छी चीजें बनाई जा सकती है। हालांकि आइडिया इन लोगों का ना वेस्ट ऑफ वंडर से ही आया है, वेस्ट ऑफ वंडर से आया, पर ये थोड़ा सा महंगा अच्छा वाला वेस्ट ऑफ वंडर है, थोड़ा अच्छा है। वहाँ पे थोड़ा छोटी थी, काफी ज्यादा छोटा था, शुरू होते ही खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पे जो है काफी बढ़िया बना रखा है। और याद आते हैं ये बहुत ज्यादा ये फेमस है जगन्नाथपुरी का मंदिर, ये जगन्नाथ टेम्पल देख सकते हो। तो बैठे बैठे हमने आपको चार धाम की यात्रा करवा दी है, तो एक बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चार धाम यात्रा सफल कराने के लिए कुछ तो कीजिए हमारे लिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उंगली से और किससे करते डाल लियो क्या उंगली साला सब। तो चलिए बैठते आगे और देखते हैं और क्या क्या चीजें बना रखी हैं। ये है महाबत प्लेस ऐसा है, और वेस्ट ऑफ वंडर से जो बना रखा है वो कुछ ऐसा है, ये भी गुजरात, तो ये काफी ज्यादा अच्छा है, ये देख सकते हो आप कितना अच्छा बना रखा है, काफी सही है यार ये, काफी ज्यादा अच्छा बना रखा है। और इन चीजों से थोड़ा सा हमें भी फायदा मिल जाता है कि हम सिर्फ एक मतलब एक राज्य में हो कि सभी राज्यों का मजा ले सकते हो, घूम सकते हैं, उनके बारे में पता कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ सकते हो। ये काफी ज्यादा बेटर है, वहाँ साथ जो भी अलग अलग देशों के हैं, यहाँ पे सिर्फ अपने भारत के हैं, जो चीजें हमने नहीं देखी, हमें नहीं भी पता है, वो आप यहाँ पे आके पता कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि उससे इसको कंपेयर करना गलत होगा, क्योंकि वो सिर्फ वेस्ट नाम ही उस चीज के लिए वो वेस्ट है, ठीक है, के अलावा कुछ और ज्यादा वो भी नहीं था, लेकिन ठीक ठाक है, बस उससे ज्यादा बेटर ये आपका 100% जो है वो ये ज्यादा बेटर है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो काफी अच्छा बना रखा है, पीछे देख सकते हो पूरा, अभी गर्मी के माहौल में भी ठंडक रहता है, और बैठने के लिए बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं, हर जगह बैठने के लिए, और कोई भी ला सकते हो आप लोग खाने के लिए, ऐसे भी मतलब सुविधाएं दे रखी है कि कोई ऐसे पेरेंट्स आते हैं, छोटा बच्चा है तो फीडिंग रूम वगैरह अलग है, तो यानी हर चीज का ध्यान दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और हम आपको लास्ट में बताएंगे यहाँ पे क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, एक चीज बताएंगे हमारा 100 रुपए का नुकसान कैसे हुआ है, ठीक है, तो उसको छोड़ते आगे बढ़ते, ये देख सकते पटना, मुझे तो नहीं पता क्या चीज है, गोलघर है, गोलघर, अच्छा, तो साची स्तूप, गलत बता, सॉरी माय मिस्टेक, ये देख सकते हो सांची का स्तूप जो है पहला स्तूप पे आ गया है, मध्य प्रदेश में है यहाँ पे, और ये जो मध्य प्रदेश में पड़ता है सांची का स्तूप। चलते आगे और देखते हैं क्या चीजें और हैं। ये किताबों में आते, विक्टोरिया स्मारक, विक्टोरिया पैलेस, आ गए हैं अब विजयनगर हम्पी रथ। ज्यादातर इसकी जो फोटोज हमने एनसीईआरटी बुक्स में देखी है, 7th-8th में जो सोशल स्टडीज की बुक्स होती थी वो, तो उसका भी दिखा देते हैं आपको नजारा। ये रहा हम्पी का रथ, काफी अच्छा कॉपी किया हुआ है इसलिए, और अभी तो नॉर्मली है, अभी काफी ज्यादा बड़ा है कि एक आदमी जो है इसके पास खड़ा होता है, तो मतलब एक आदमी कितने बड़ा जितना टायर है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल बना रखा है और काफी बेहतरीन बना रखा है, काफी अच्छी कॉपी बनाई है, फर्स्ट कॉपी विदाउट चाइनीज। कहाँ पहुंचे, हैदराबाद आ गए हम लोग, चार मीनार में, ये देख सकते हो चार मीनार जो है हैदराबाद तेलंगाना में, और इसके तो हम अंदर दिखाएंगे अंदर की तरफ से। जब हम वासेपुर के जंगल से निकले तो हमको पता चला कि यहाँ बहुत कुछ है, तो आए हैं घूमने के लिए। ऊपर फ्लावर पॉट बना रखा है, बाकी देख रहे हो अच्छा बना रखा है, काफी ज्यादा अच्छा बना रखा है। तो ये है चार मीनार हैदराबाद का, हैदराबाद जाएंगे, हैदराबादी बिरयानी जरूर खाएंगे, और इससे ध्यान आए कि हैदराबाद जाने का प्लान है, जाऊंगा जरूर, और वहाँ पे रियल का चार मीनार जो है पहले ही। रियल का जो चार मीनार है वहाँ की वीडियो बना के आपको जरूर भेजेंगे। कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, ये पड़ता है कर्नाटक में, ये पड़ता है कर्नाटक उड़ीसा में, उड़ीसा में पड़ता है, कर्नाटक बोल रहे, कोणार्क नाम से जगह उड़ीसा में पड़ता है, सूर्य मंदिर इसको कह सकते हैं। खुजराहो मंदिर ये छतरपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ऐसे से ऐसा बना रखा है, और ऐसे से ऐसा बना रखा है, देख सकते हो, और काफी ब्यूटीफुल है,
सभी में मेरे को ये ज्यादा प्यारा लगा क्योंकि इसमें जो है छोटी से छोटी चीजों को ध्यान दे रखा है, ये देख सकते हो आप, इनमें इन सारी छोटी से छोटी चीजों को ध्यान दे के बना रखा है और काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है बाकियों से। ये पार्ट डिस्क ब्रेक इन सबसे बना रखा है मिला के, तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्सों से मिला के बना रखा है। आगे से भी दिखा देते हैं आपको, इनका बस चलता तो अंदर मंदिर रियल का बना देते, भी बहुत अच्छा बना दिया भाई। अजंता और अलोरा की गुफाओं से प्राप्त ये जो मूर्तियां हैं, ये स्तंभ है, स्तंभ को बता देते हैं कि अंग्रेज जो उस समय थे इन स्तंभों को भी ले जाना चाहते थे अपने देश में। तो उस समय जो राजा नहीं थे, बेगमें थी, बेगम का नाम नहीं ध्यान मेरे को, उन्होंने जैसे तैसे कोशिश करके उनको रोक दिया और उनको जो भी परीक्षण करना था उसके लिए वहीं पे सुविधाएं सारी उपलब्ध करा दी ताकि वो स्तंभ अपने साथ ना ले जाए। तो पीछे देख सकते हो महाराष्ट्र में स्थित है और आप जाकर देख सकते हो अजंता और एलोरा की गुफाएं, उनसे प्राप्त स्तंभ और ये चीजें। हाथी भी प्राप्त हुआ था वहाँ से, और हाथी वहाँ पे साथ में था ना उनके, रानी का मुख्य था। तो अंदर जो है काफ़ी अच्छा बना रखा है और करते करते हम लास्ट आ चुके हैं मसूरी मसूरी पहले से आ चुके हैं ये देख सकते हो, और काफ़ी अच्छा बना रखा है और रियल में ऐसा देख के लगता है रियल फीलिंग की कैसा होगा वो। और अंदर जो है काफ़ी अच्छा है, पीछे देख सकते हो नेचर काफ़ी अच्छे हैं, बैठने के लिए जगह देख सकते हो, हटेगा तो जगह दिखेगी देख सकते हो ठीक है। ये जो पीछे जगह बना रखी है ऐसे हर जगह बना रखी है, छोटी छोटी जगह बना रखी है बैठने के लिए, पानी की सुविधा उपलब्ध है, ठंडा पानी अंदर मशीनें लगी हुई हैं, अगर आप बोतलें नहीं लाते तब भी यहाँ पे पानी मिल जाएगा आपको पीने के लिए, खाने पीने के अंदर भी खाने पीने की चीज़ें। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि MRP रेट पे अंदर वेंडिंग मशीन लगी हुई है, वो बात अलग है कि हाथ से निकाल रहे हैं वहाँ पे वो वेंडिंग मशीन में भी, तो MRP रेट पे मिल रहा है अच्छी चीज़ें। और दूसरा बता देता हूँ टिकट प्राइस जो है मंडे टू फ्राइडे 100 रुपीज़ है, सैटरडे संडे जो है 150 है, जिसके चक्कर में हमारा 100 रुपए का कर गया सैटरडे है। हमारा जितना सोर्स पर भी था लगा के देख लिए, कोई नहीं माना, आप लोग सैटरडे है तो 150 लग गए, 300 वैसे 200 लगते, और बाकी क्या नहीं लेके आए थे, नहीं तो अभी तक सब कुछ हो जाता। नियर बाय बता देता हूँ आपको, पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा नियर बाय, और दूसरा पड़ेगा ESI हॉस्पिटल का मेट्रो स्टेशन, जो भी आपको पास पड़े उससे आप आ सकते हो, वहाँ से 10 मिनट मुश्किल से ज़्यादा 10 मिनट आपको पैदल वहाँ से आओगे। तो ये पड़ेगा आपको पंजाबी विभाग वेस्ट SDMC, तो यहाँ पे आप आइए और यहाँ का रिव्यू जरूर दीजिए कैसा लगा, और बाकी ऐसे साथ बने रहिए फैमिली के साथ, आइए यहाँ पे मज़ा कीजिए, देखिए हमारे भारत में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और कमेंट करके बताइएगा कि लुक कैसा है, अच्छे लग रहे हैं ना, बिहार के बाबू हैं ये, जरूर बताइएगा इनको, बहुत बड़ा नाम चलता है हमारा, कट्टा लेके चलते हैं साथ में। चलिए ऐसी आप अभी तक यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे ही ऐसे बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जरूर बताइए कि जगह कैसे लगी, शेयर और समझे कि नहीं। गर्मी बहुत है तो आप जगह थोड़ा सजेस्ट कीजिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना हो और हम उस चीज़ को कवर कर सके, तो सजेस्ट कीजिए। तो मिलते हैं, इतना क्लिक मारे कि धुआं धुआं हो जाएगा, वासेपुर तक का एक शोर जाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ये लगा रहेगा, तो अभी के लिए रहता हूँ।